हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं हम लोग के आर वर्सेस सलमान खान का जो मसला था आज, मतलब जो 7 तारीख को उनको कोर्ट में पेश होना था और हुए हैं, लेकिन इसका जो डेट है वो बढ़ चुका है और ये खुद के आर ने ट्वीट किए हैं और बोल रहे हैं। लेकिन इसका डेट क्यों बढ़ा हुआ है, इसका मेन मसला है। इसका डेट क्यों बढ़ा हुआ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आपको जो भी है एक हफ्ता में, मतलब के आर ने बहुत सारे ट्वीट किए और बहुत सारे बात बोले के नाम तो डायरेक्ट सलमान सर का नहीं लिए, लेकिन ऐसा बोलने बॉलीवुड का गुंडा, बॉलीवुड का भाई वगैरह वगैरह ऐसा बहुत, मतलब वो बात किए और बोले। लेकिन कोर्ट में जाने के बाद में यही लगता है कि उनको बहुत कुछ सुनने को मिला हुआ है और सुने हैं, क्योंकि वो जब ये डेट लिखे हुए हैं 2022 जून ऐसा लिखे हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। ये देखकर तो थोड़ा शॉर्ट आदमी हो गया यार, कैसे एक साल का कैसे टाइम मतलब मिल सकता है। लेकिन यही है कि लिखने में 22 लिखने में इनको मिस्टेक हुआ है, और मिस्टेक कब होता है कोई भी काम करने के टाइम, क्योंकि अगर शॉर्टिंग ज्यादा, अगर कोई ज्यादा प्रेशर ज्यादा टेंशन होता है तभी ऐसा प्रॉब्लम होता है लिखने में या कुछ भी करने में या कुछ बोलने में। तो कुल मिला के यही है कि उनको अच्छा खासा सुनने को मिला हुआ है, क्योंकि अगर वो उनका नाम लेके नहीं बोले तो बहुत, मतलब पूरा दुनिया मानता है बॉलीवुड में किसको भाई, किनको भाई बोला जाता है और बोलते हैं। और कोई बोलेगा भाई का मूवी आ गया तो वो यही समझेगा कि सलमान सर का मूवी आया हुआ है, वो ये नहीं सोचेगा कि शाहरुख सर का या अक्षय कुमार सर का या अजय देवगन सर का मतलब मूवी आया हुआ है, ऐसा नहीं सोचेगा। तो कुल मिला को ऐसा ऐसा बात किए हैं, तो इस बात पे लगता है उनका वकील कुछ बोले हैं और कुछ बात हुआ है, क्योंकि कोर्ट का बात नहीं मानने पर ऐसा हो सकता है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि उनके ऊपर दोबारा केस हो गया है, क्योंकि वो कोर्ट का बात नहीं माने हुए और अपने मर्जी से किए हैं। तो आप लोगों क्या लगता है कि हाँ अब ये कुछ सलमान सर का बारे में कुछ उनके मसले में कुछ ट्वीट नहीं करेंगे, लेकिन अगर करते हैं तो फिर ये बात बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो मानने वाले नहीं है। और भी उनका ट्वीट बहुत सारे ऐसा आया हुआ है कि और भी जो सिंगर हैं, जो मीका सिंह के साथ में जो गाना गा रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो जो उसमें इन्वॉल्व है उन सबको वाट लगाऊंगा बाद में ये मामला जब ये केस क्लियर हो जाता है तो। और ये भी बोल रहे हैं कि हाँ ये तो सलमान सर मानते हैं कि मैं एक बार क्रिटिक हूँ और उनसे आगे हूँ, इसलिए वो हमसे केस लड़ रहे हैं, ऐसा ऐसा वो बात ट्वीट कर रहे हैं और किए हुए हैं। तो क्या लगता है कि ये चाह रहे हैं कि ये बात और लंबी चौड़ी खींचे, लेकिन वहां पे और भी जो ट्वीट करने वाला है लोग, रिट्वीट करने वाला है लोग, जो जवाब देने वाला है लोग, वो लोग क्या बोल रहे हैं कि ये ऐसा ही केस को लंबा करते करते मतलब के आर का लाइफ खलास हो जाएगा, क्योंकि वो केस लड़ते लड़ते थक जाएंगे। तो शायद अगर सब मसला सही रहा तो आने वाला तारीख में वो एकदम मतलब ये मसला क्लियर हो जाएगा, अगर ये बात मान जाते हैं, अगर संभल जाते हैं कुछ केस, कुछ और उनके ऊपर कमेंट, सलमान सर के ऊपर कमेंट नहीं करते हैं तो। तो कुल मिला के यही लगता है। और आप लोगों क्या लगता है कि अब के आर कुछ कमेंट नहीं करेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो उनको, हमको ऐसा लगता है कि उनको मजा आ रहा है कुछ कमेंट करने में और कुछ उल्टा सीधा बात करने में, क्योंकि वो कुछ फेमस हो रहे हैं और होना चाहते हैं, वो मतलब उन्हीं को पीछे कोई कुछ बोलता है जिनको कुछ वैल्यू रहता है, क्योंकि उनके बारे में हम कुछ गलत बोलते हैं तो मेरा भी वैल्यू बनेगा बोल के। ऐसा बहुत लोग दुनिया में है जो उस उनके सपोर्ट में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं और बढ़ते हैं। तो कुल मिला के यही बात है कि ये मसला शायद इस तारीख को मतलब सही हो जाए, अगर नहीं होता है तो आगे कब तक ये केस होता है और कब तक ये चलता है। और जो मीका सिंह का जो सॉन्ग है वो भी मतलब लगभग कुछ रेडी हो चुका है, क्योंकि उनका जो वीडियो एक टीजर के तरह मतलब एक किए हुए हैं और वो डाले हुए हैं, तो उस सॉन्ग को भी सुनने के बाद में वो और बखुला गए और उनका प्रेशर हाई हो गया है के आर का, क्योंकि वो कुछ ट्वीट भी किए हैं इनके लेकर। तो लेकिन मीका सिंह को भी सपोर्ट में बहुत, मतलब उनका जो फैन है वो मतलब कुत्ता कुत्ता करके ऐसा कुछ मतलब सॉन्ग गा के वो लोग बैठाए हुए हैं, तो उसी पे मीका सिंह कुछ एडिट करके वो सॉन्ग को सेट करके वो मतलब टीजर टाइप में वो डाले हुए हैं। और आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे
मैं वो वीडियो अपलोड किया हूँ कुछ, मतलब वो क्लिप काट कर, तो आप लोग वो जाके वीडियो देख सकते हैं। और आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो और ये न्यूज़, आप लोग कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।